बिहार में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यहां का चुनावी घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदल रहा है। महागठबंधन के घटक दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 7 जून को गृहमंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली और जेडीयू ने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन ने अब तक ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और ना ही सीएम के चेहरे पर कोई आम सहमति बनती दिख रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बात से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि महागठबंधन का स्वरूप अपने समय पर तय हो जाएगा। पार्टी का कार्यक्रम अलग होता है, चुनाव एक साथ लड़ा जाता है। साथ ही वो सवाल भी करते हैं कि एनडीए का प्रारूप कैसा होगा, ये स्पष्ट है क्या? जगदानंद सिंह कहते हैं कि एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं तो हमारे तेजस्वी हैं। आप विधानसभा की बनावट को देखिए, इस बात का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वो सदन में 3 हैं और हम 2, बाकी को जोड़ना है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। सदन में नेतृत्व के हिसाब से सब कुछ तय किया जाएगा। हम सब चुनाव एक साथ लड़ेंगे। महागठबंधन में चल रही तनातनी के बावजूद आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना। हालांकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ये अभी तय नहीं हुआ है, इसका फैसला महागठबंधन के नेता सामूहिक रूप से करेंगे। इधर महागठबंधन के 3 बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार ही बिहार से लेकर दिल्ली तक आपस में मिल रहे हैं। ये लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी इनका समर्थन कर रही है, लेकिन आरजेडी इस पर मौन है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन को लेकर किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी लगातार संपर्क में हैं। हम पिछले साल दिसंबर महीने से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी इस पर मौन साधे हुए है। कोई बैठक भी नहीं बुलाई जा रही है, एक तरफा संवाद हो रहा है। जो भी निर्णय हो वह महागठबंधन का सामूहिक निर्णय हो। एक पार्टी एक आदमी का कोई निर्णय भला कैसे स्वीकार हो सकता है? मैंने 25 जून अंतिम तारीख तय की है और फिर उसके बाद हम कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। वहीं खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी वापस घर भी लौट सकते हैं, यानी जीतन राम मांझी का एनडीए में आना अभी लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।